शामिल हो जाए तो बाद ईद उल फितर मुकद्दस त्यौहार पूरे भारत में मनाई जा रही है। लुधियाना की ऐतिहासिक जामा मस्जिद में भी आज हजारों मुसलमानों ने लुधियाना की इतिहासक जामा मस्जिद में सैकड़े मुसलमानों ने की नमाज अदा। ईद उल फितर के त्यौहार से लुधियाना की इतिहासक जामा मस्जिद में सैकड़े मुसलमानों ने नमाज अदा की। इस मौके शाही इमाम मौलाना मुहम्मद उस्मान रहमान लुधियानवी ने कहा कि ईद का पवित्र त्यौहार सब की भलाई और आपसी भाईचारे का संदेश दिता है। जे न्यूज पंजाबी लिए लुधियाना तो प्रदीप भंडारी की रिपोर्ट। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, शुरू करदा अल्लाह ताला दे नां तों जो बड़ा मेहरबान ते नहायत ही रहम करन वाला है। अज 30 रोज़ां तों बाद ईद उल फितर दी मुकद्दस त्यौहार पूरे भारत च मनाई जा रही है। लुधियाना दी इतिहासिक जामा मस्जिद विखे भी अज हज़ारां मुसलमानां ने ईद की नमाज अदा की। ईद जिहड़ी है खुशियां वंडण वाली ईद है, शुकराने की ईद है, और जिन्हां लोकां नाल नाराजगी होवे पुरानी उहनूं रज़ामंदी च बदलण की ईद है। इस ईद के मौके पर नफरत को खत्म करके मुहब्बत का पैगाम जिहड़ा देईदा ते मैं कहना चाहुंदा कि ईद उल फितर के मौके पर असीं दुआ करदे हां कि भारत नहीं पूरे पंजाब नहीं पूरी दुनिया के विच आने वाला समा जिहड़ा है वह प्यार मुहब्बत वाला होवे। और अजकल पंजाब दे विच जिहड़ा कुछ लोग नफरत फैलाने की बहुत ही अनथक कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोशिशां नाकाम।